नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है फिल्मी चकल्लस में। आज मैं एक और मूवी का जो है रिव्यू करने जा रहा हूं, और उस मूवी का नाम है झुंड। और ये मूवी जो है आज रिलीज़ हो चुकी है नॉर्थ इंडिया पे, और बेसिकली ये मूवी जो है पहले महाराष्ट्र में रिलीज़ हो चुकी है वहां पर, और आज फ्राइडे के दिन यहां रिलीज़ हुई है यानी 4 मार्च को। झुंड फिल्म बेसिकली विजय बरसे पर आधारित है। विजय बरसे नागपुर के रहने वाले हैं, वहाँ पर उन्होंने एक स्लम सॉकर नाम का ऑर्गेनाइजेशन खोला हुआ है, जहाँ पर वो गरीब बच्चे या स्लम या फिर झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको फुटबॉल खेलना सिखाते हैं और उनके टैलेंट को वो निखारते हैं। झुंड फिल्म के लीड रोल में अमिताभ बच्चन हैं, आकाश हैं, रिंकू राजगुरु हैं, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नागराज मंजुले ने, और ये फिल्म जो है टी सीरीज के बैनर तले बनी है। विजय वर्से के रोल में अमिताभ बच्चन हैं। तो कहानी की बात करते हैं, विजय नाम के एक प्रोफेसर हैं, वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं और वो एक सोसाइटी में रहते हैं। वहाँ एक दिन वो क्या करते हैं कि अपनी सोसाइटी के बाहर जाकर के कुछ झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया में जाते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है कनस्तरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। इन सबको देखकर अमिताभ जो है बड़े प्रभावित होते हैं कि ये बच्चे जो हैं कनस्तरों के इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि अब इन बच्चों को जो है वो फुटबॉल खेलने के लिए मनाएंगे। तो वो प्रयास करते हैं कि ये बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों को छोड़ करके वो फुटबॉल खेलें, बट ये जो फुटबॉल खेलने के वाले जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली बड़े शैतान होते हैं। वो इतना आसानी से मानने वाले कहाँ हैं, कोई चोरी करता है, कोई नशा करता है, कोई छिनैती करता है, कुछ लड़कीबाजी करते हैं। तो फिर अमिताभ बच्चन जो है कई बार प्रयास करते हैं धीरे धीरे अलग अलग तरीके से, फिर वो क्या करते हैं कि एक रास्ता निकालते हैं और रोज़ वो 500 रुपये का जो है लालच देते हैं इन बच्चों को कि अगर मैं तुम्हें रोज़ 500 दूंगा तो क्या तुम मेरे लिए फुटबॉल खेलोगे। तो ये ऑफ़र सुन कर के जो बच्चे होते हैं वो मान जाते हैं। अब ये बच्चे जो हैं किसी का नाम किशोर है, किसी का नाम डॉन है, किसी के नाम बाबू है, मतलब अलग अलग नाम के लोग हैं, और फिर वो तैयार हो जाते हैं। तो रोज़ अमिताभ बच्चन 500 रुपये देते हैं, फिर ये बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, फिर देते हैं, फिर ये खेलते हैं, बट वो दिल के अच्छे बच्चे होते हैं, ये अमिताभ बच्चन भांप जाते हैं। फिर वो उनको प्रेरित करते हैं किसी तरीके से, वो लालच दे करके उनको वो फुटबॉल खेलने के लिए राज़ी कर लेते हैं, और ऐसे करते करते धीरे 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 वो बच्चे जो है कॉलेज लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं, फिर आगे और बड़े लेवल पे जाते हैं। बट इस दौरान जो है अमिताभ बच्चन को कई परेशानियां आती हैं, और धीरे धीरे उनकी ये परेशानियां कोर्ट रूम तक पहुंच जाती है। तो कोर्ट रूम में वो किसी तरीके से केस जीतते हैं, और फिर इन बच्चों को जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए जो अपना काम शुरू कर देते हैं। नागराज मंजुले की जो डायरेक्शन है वो बहुत बढ़िया है और शानदार है, और अतुल अजय का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। उन्होंने वेस्टर्न और हिप हॉप का इस्तेमाल किया है अपने म्यूज़िक के अंदर, बट ये गाने जो है ज़्यादा दिन तक सुने नहीं जाएंगे। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में अमिताभ बच्चन बहुत ही जानदार हैं भैया, उनके शानदार एक्टिंग रहती है हमेशा। उनके साथ आकाश भी हैं और रिंकू राजगुरु भी हैं, साथ में कुछ और करेक्टर हैं बट उनके नाम नहीं जानता रियल, बट फिल्मी नाम जानता हूँ। किशोर है, डॉन है, बाबू हैं, और एक लाल लाल बाल कलर के एक बाबा हैं, चाचा जी हैं। उनकी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर देखने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। अंकुश है जो इसमें कैप्टन का रोल निभाता है झुग्गी झोपड़े के बच्चों का, उसकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। और फिल्म के अंदर जो है आपको इंटेंस ड्रामा देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा, और आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, सेंस ऑफ ह्यूमर देखने को मिलेगा, एक चुलबुलापन भी दिखेगा बहुत जगह, मतलब एक इमोशन देखने को मिलेगा। तो आप मूवी जो है अपने पूरे परिवार के साथ, सबसे बड़ी बात है कि बैठकर देख सकते हैं। हाँ, फिल्म जो है पहले हाफ में 30 मिनट 30-35 मिनट तक बहुत स्लो चलती है, तब तक आपको थोड़ा धैर्य रखने का पड़ेगा, बट 40-45 मिनट के बाद ये फिल्म जो है अपने अलग ट्रैक पे चली जाती है, जहाँ के बाद आपको ये मूवी कहीं से भी निराश नहीं करेगी, और फुल स्पोर्ट ड्रामा मूवी है और सच्ची कहानी पे आधारित है। तो नागराज मंजरी ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, उन्हें हर करेक्टर से, हर एक्टर से जो है जो चीज़ इस मूवी के लिए चाहिए थी उन्होंने उनसे करवाई है।
और इस मूवी को आप 3.5 नंबर स्टार दे सकते हैं फिल्म को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू के लिए, प्रीव्यू के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबा खैर, बाय बाय।